वीडियो सोनाली में सबका स्वागत है। आज मैं वीलॉग बना रही हूँ। हम जा रहे हैं ग्रोवर वाइन यार्ड को, जहाँ पे वाइन कैसे बनाई जाती है ये आज हम देखने वाले हैं, तो उसे विजिट करने वाले हैं। बेंगलोर सिटी से 60 किलोमीटर और वाइट फील्ड ITPL अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है। और ये डॉट डबला पूरा एरिया में आता है जो कि प्योर आउटस्कर्ट्स में है बैंगलोर के। तो चलो हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है वहाँ पे प्रोसेस वाइन बनाने का। फाइनली हम ग्रोवर वाइनयार्ड को पहुंच गए हैं और यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी कार्स पार्क हो चुकी है और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ पे। यहाँ पे कार पार्क करने के बाद हमें सामने गेट के पास एंट्री करना है। ये एंट्री ऑफिस है, यहाँ पे जाके हम एंट्री करेंगे और बाद में वाइन यार्ड को अंदर जाएंगे। और अंदर आते ही ग्रोवर जंबा वाइनयार्ड का बहुत खूबसूरत ऐसा बोर्ड लिखा गया है और ये आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग है पूरा और बहुत सारे लोग वाइन को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम एडमिन इंक्वायरी करने के लिए जा रहे हैं, हमें वाइन कैसी बनती है ये प्रोसेस भी देखनी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एंट्री फी भरनी पड़ेगी और यहाँ पे बहुत सारे वाइन्स के सैंपल के बॉटल्स रखे गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत ही खूबसूरत ऐसे डेकोरेटिव किया है वाइन के बॉटल से।
और यहाँ पे हमने बुकिंग किया है, पर अडल्ट पर्सन 1000 रुपीज चार्जेस है और GST अलग से है। हम अभी एंट्री का बुकिंग करने के बाद वेट कर रहे हैं वाइन टेस्टिंग के लिए। और अब हम फाइनली वाइन टेस्टिंग के हॉल में, रूम में हम आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी तरह से अरेंजमेंट की है वाइन की, वाइन टेस्टिंग के देने के लिए। हर एक के सामने 3 ग्लासेस रखे हैं और एक एक करके वाइन टेस्टिंग को दे रहे हैं। हमने यहाँ पे 5 वाइन टेस्ट किए। वाइन टेस्टिंग करने के बाद अब हम वाइन फैक्ट्री देखने जा रहे हैं, लेकिन संडे था और छुट्टी थे इसलिए हमें वर्किंग प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे जो बंदा था उसने हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वाइन फैक्ट्री टूर में आपको सब प्रोसीजर अच्छी तरह से समझाई जाती है, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करके वाइन बनाई जाती है, कितना टाइम लगता है, ये बातें सब एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था शूट करने के लिए, इसलिए मैंने वो सभी बातें शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वहाँ का सराउंडिंग था वो मैंने शूट किया है और इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ये वाइन के लकड़ी के कंटेनर है जो बहुत दिनों से यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, इसमें वाइन स्टोर करके रखी है। आप यहाँ पे हाफ डे अच्छे तरह से स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ का सराउंडिंग अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। हम गए थे उस दिन, वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट और लंच भी कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि हमने पूछा नहीं था वहाँ पे अलग खाना उपलब्ध है या नहीं। आप भी जाना चाहते हैं इस जगह पे तो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि वहाँ पे लंच उपलब्ध है या ब्रेकफास्ट है क्या अवेलेबल। और यहाँ पे हमारी वाइन फैक्ट्री देखते हो गई है और अब हम वापस चलते हैं। हम उसके पहले पास में ही ग्रेप्स की खेती है, वहाँ पे जाके फील्ड पर जाके आप रियल में ग्रेप्स देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेप्स की खेती में, खेती देखने के लिए फील्ड पर। हार्वेस्टिंग साइट देख के हो गई है और हम अब चल रहे हैं वापस घर।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती है एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।